वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का हमारा सोशल इशू कुछ इस तरह से है कि हम मेडिकली और वैसे ओवरऑल जो बात करने वाले हैं कि आजकल मैरिजेस और जो डिवोर्स रेशो है उसके कितनी ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है डिवोर्स रेशो में, उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कज़न मैरिजेज़ है, फर्स्ट कज़न है सेकेंड, ये डॉक्टर साहब हमें बेहतर तो आप एक्सप्लेन कर दें कि उनके मैरिज और डी मैरिज को भी हम डिस्कस करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे कॉलर्स की पार्टिसिपेशन भी हमारे साथ रहे, तो लाइव कॉल्स के लिए नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर होगा, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करती है। हफ्ते मेहमानों का तारीफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अली जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है जना हॉस्पिटल में, उनको हम वेलकम करते हैं, और उसके साथ साथ एस प्रवीण मुगल हैं जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानेब आएंगे, हम कज़न मैरिजेस की बात करते हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी आई हैं, सर्वेज भी हुए हैं मैरिज और डीमेरिट्स दोनों चीज़ों के। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि बेसिकली इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए, जैसे कि जिसे हम लेबल लगाते हैं हेल्थ एजुकेशन का। बिल्कुल, हम डॉक्टर्स के पास वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के टाइम नहीं है दो मिनट का कि हम उसको डिटेल कोई बात समझा सकें, ये एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे बन जाएगा कि हम पब्लिक को कम्युनिकेशन कर सकें। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं एक चीज़ एज एग्जाम्पल के तौर पर पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक की तरफ आऊँगा। मैं कल ही एक पेशेंट से मिलकर आया एमरजेंसी में, जो कि जिना की एमरजेंसी में था, और वो एक 22 साल का लड़का था जो कि मेंटली रिटार्डेड था। उसके दोनों पेरेंट्स सामने खड़े हुए थे और वो आए थे कि उसको नमोनिया है और इसको बचपन से ही फिट्स पड़ते हैं, और इसको 5 किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं, उन सबसे इसको फिट्स होते हैं। अब हम उसके सामने हेल्पलेस खड़े हुए थे कि इसको दें क्या, क्योंकि इसके नमोनिया के लिए मेडिसिन भी देनी और मेडिसिन से इसको फिट्स होंगे और उसका नमोनिया ठीक नहीं होगा, और वो हमारे सामने खांसी कर रहा, बुखार से तड़प रहा, इधर उधर लोट पोट रहा, हम कुछ नहीं कर सकते और वो मेडिसिन भी नहीं खा सकता। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट की क्या हेल्प कर सकते थे हम, जब ऐसा पेशेंट, जिस ऐसे पेशेंट के पेरेंट्स की हम किसी टाइम पे जेनेटिक काउंसलिंग की होती, कि ऐसे बच्चे जिनको कोई मेंटल रिटार्डेशन या कोई ऐसे इश्यूज हो सकते, उनको कोशिश की जाए कि ऐसे बच्चे ना हो सकें, ताकि हमारा जो एक आम तबका है वो ऐसे बर्डन को अपने ऊपर होल्ड ना कर सके। अच्छा, और साथ में हम अपनी पब्लिक को ये भी क्लियर करते चले, हम किसी चीज को डिस्करेज नहीं कर रहे कि कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए, रिस्क है, जो जो पॉइंट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को सीरियसली भी लेते हैं कि आप क्यों टीवी पे बैठ के, हम डिस्करेज नहीं करें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें मैटर करती हैं हम आपको वो बता रहे हैं, क्योंकि रिसर्चेस और अब इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस जो है तरक्की कर चुकी है कि बहुत सारी चीजें जो है शायद हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम आज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात। एक और चीज मिसाल के तौर पर कहना चाहूंगा कि आइंस्टाइन जो था उसने अपनी फर्स्ट कजन से शादी की थी और उसके 10 बच्चे हुए, 10 के 10 ब्रिलियंट थे, कोई डिफेक्ट नहीं। एग्जैक्टली, तो इसलिए हमारा मोटिव ये है कि एक स्पेशल कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें कुछ डिजीज रन करती हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा इस मामले की नौयत को देखते हुए कि जी हमारे कजन मैरिजेस करने से बच्चों में डिजीज आएंगी और वो आगे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डन होंगी, तो हम उस चीज को थोड़ा अवॉइड करें। बाकी ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बैन लगा रहे कि जी मैरिज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है, वहां पर फर्स्ट कजन मैरिज बैन है। तो अब कजन मैरिज में बेसिकली क्या आता है, क्या फॉल करता है, ये भी मैं जानना चाहूंगी, फर्स्ट कजन या सेकंड कजन। अब पहली बात ये कि मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट कजन सेकंड कजन ये होता क्या है, फर्स्ट कजन कई लोगों को ये भी नहीं पता, जैसे बाद लोग समझते हैं सेकंड कजन का मतलब ये कि मेरे फर्स्ट कजन का जो भाई है वो मेरा सेकंड कजन है। फर्स्ट कजन वो है जो मेरे चचा का बेटा है, और मेरे वालिद के चचा का, मेरे वालिद के जो भाई का बेटा होगा वो मेरा फर्स्ट कजन है, फर्स्ट कजन हो गया। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, यानी कि मेरे वालिद के वालिद का जो भाई होगा वो मेरा सेकंड कजन में आएगा, और इसी तरह वालिद से वालिद ऊपर जाते रहे वो थर्ड कजन फोर्थ कजन में आता रहेगा। मतलब उनके जो आपके दादियाल के बहन भाई हैं उनके वो सेकंड कजन हो जाएंगे, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो आपके फोर्थ कजन हो जाएंगे। तो और जो फर्स्ट कजन है उसी से ही ज्यादा हमें इस तरह के चांसेस हैं कि ऐसी डिजीजेस इनकाउंटर करें जिनका फिलहाल इस वक्त ट्रीटमेंट है, लेकिन वो अपने ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रहे हैं। उसमें चीजें से आती है क्रिस्पर, वो एंड में जरा 2 मिनट बात करेंगे क्रिस्पर के ऊपर, क्रिस्पर क्या चीज है वो लोगों को भी पता नहीं है बेसिकली। तो कजन मैरिज और फिर इनके साथ जो डिजीजेज होती हैं
उनका फिर अलामती इलाज है। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम ब्लीडिंग के लिए ब्लड लगा देंगे, हमारे पास और कोई इलाज नहीं। आपको बार बार नमूनियाज हो रहे, हम नमूनिया क्योर नहीं कर सकते, हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स देंगे जी, 10 दिन खा लो, फिर दोबारा जब आएंगे फिर एक और नीचे शुरू कर देंगे। फिट्स होंगे तो फिट, लेकिन सबसे जो बुरा चीज़ जो इंसान को फेस करना पड़ता है वो है मेंटली रिटार्डेड, कि उसे नहीं पता मैंने स्टूल कहाँ पास करना है, उसे नहीं पता मैंने अपना थूक कहाँ फेंकना है, उसे नहीं पता मैंने खाना कैसे। वो चीज़ एक पूरा एक पूरी फैमिली के लिए एक साइकेट्रिक स्ट्रेस होती है बहुत बड़ी। अच्छा डॉक्टर अली, चूंकि हम बात करें काजन मैरिजेज में रिस्क की, कि किस तरह की डिजीजेस हो सकती है, एक तो आपने मेंटल रिटार्डेशन बता दी, इसके अलावा ब्लीडिंग की, अच्छा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, इसके अलावा कार्डिक डिफेक्ट्स हैं, अच्छा इसके अलावा ऐसी डिजीजेज हैं जो कि हमारे मल्टीपल और ऑर्गन्स की भी होती हैं, इसके अलावा सेक्स लिंक भी आ जाती हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जो सिर्फ मदर से होती हैं। अच्छा ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं है कि जी हम सिर्फ कजन मैरिज को करें, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों कल्प्रिट्स भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ मदर्स भी हो सकती हैं, और मदर की एज भी हो सकती है। अच्छा, तो इसलिए ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया, अब जरा हम मैरिजेस के हवाले से बात करें, मैरिजेस कामयाब होती हैं नहीं कामयाब होती, और आजकल डिवोर्स रेशो में इस पर भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, आप चूंकि इस तरह के केसेस भी देखती रहती हैं, क्या वजूहत हैं जो इतनी ज्यादा रेशो बढ़ रही है? एक्चुअली इसमें कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि अगर कोई फैमिली आउट ऑफ फैमिली शादी करना चाहता है तो फैमिली प्रेशर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो कर नहीं सकता। उसमें ये होता है कि या तो वो घर से भाग जाते हैं या फिर विदाउट पेरेंट्स परमिशन करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचती है। इसके अलावा ये भी होता है कि समटाइम वो कैलिबर मैच नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या तो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है या लड़का, जब उनकी शादी हो जाती है तो मेंटली वो मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर इसके अलावा फैमिलीज में शादी करने से ये होता है कि वटा सटा है, जैसे यानी एक ही घर में दो दो लड़कियां ब्याही हुई हैं, लड़के, तो एक ही शादी ख़राब होती है तो सबकी हो जाती है। इस तरह के काफ़ी इशू होते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ ये मेरी नज़र में ये है कि आपका फैमिली में जो है, चाहे गरीब है या चाहे कोई मेंटली उसको इशू है, लेकिन वो लग जाता है फैमिली में। और इसमें यह भी होता है कि फैमिली प्रेशर ज़्यादा होता है तो डिवोर्स की रेशो इसी हिसाब से कम होती है, क्योंकि वो कहता है मेरी बहन भी उधर ब्याही हुई है, मैं इसको अपनी वाइफ को दूंगा तो मेरी बहन को हो जाएगी, इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है अब अर्बन जो एरियाज हैं वहाँ पे तो ये सिस्टम अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है, लेकिन सिटीज़ में काफ़ी बेहतर सिचुएशन है, लोगों को अवेयरनेस है कि अब ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें कॉलर ले लेते, शमीम है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर कजिन मैरिज हो जाती है जी, तो अगर हाँ जी बेबी से पहले वो कोई टेस्ट करवा लेते हैं या उसके लिए कोई प्याज या कोई मेडिसिन यूज कर लेते हैं ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो या बच्चा सेहतमंद पैदा हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शमीम अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी डॉक्टर। सवाल दोबारा रिपीट। अच्छा, सवाल उन्होंने किया कि अगर कजिन मैरिज पक्की भी हो गई है, इस तरह के मामला हो गए, तो बेबी से पहले वो किस तरह का टेस्ट या कोई ऐसी मेडिकेशन जिससे उनके रिस्क ये जो कम हो जाए? हाँ, इस तरह में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जेनेटिक। एक तो ये है कि सैम्पलिंग करते हैं जब बेबी मदर के पेट में होता है, उससे भी पता चल जाता है कि इसका क्रोमोसोम पैटर्न कैसा है और इसके अंदर कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, लेकिन वो भी तब करते हैं जब कोई ऐसा फैमिली में रिस्क ऑलरेडी है। जैसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं कि जैसे पहले फैमिली में एक बच्चा ऐसा है जो मेंटली रिटार्डेड है, तो हम अगला जो बेबी पैदा हो रहा तो उसकी पहले से ही मदर के पेट से ही बच्चे से जो भी सैम्पलिंग उसके सेल्स लेके टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर वो डिजीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, चांसेस भी नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो फिर उस टाइम प्लान किया जा सकता है कि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। और अगर ऐसा बेबी हो जो रिटार्डेड हो, जिसके चांसेस ज़्यादा हो कि वो लाइफ के साथ ज़्यादा अच्छा कंपेटेबल नहीं होगा, तो फिर डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि आप इस प्रेगनेंसी को खुद टर्मिनेट करवा दें। जहाँ तक बात के उससे पहले की टेस्टिंग, तो उससे पहले की टेस्टिंग भी होती है, जेनेटिक टेस्टिंग उसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए आई है फील्ड के अंदर। और अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि स्पेशली कुछ डिसऑर्डर्स को लेके हमारे पास सैम्पलिंग करना और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स रिलायबल भी है, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अली, चूंकि हम अभी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हम समझते हैं कि अगर आप सेकंड कजिन्स में भी करें मैरिज,
اب فرسٹ کزن میں تو رسک زیادہ ہے، سیکنڈ کزن میں بھی رسک اس حد تک ہوتا ہے؟ سیکنڈ کزن میں ہے، فرسٹ کزن کا جو رسک ہے وہ ہے 25-12% فرسٹ کزن، یہ وہ رسک ہے بیسیکلی جو اس ہے کہ ڈزیز نہیں ہے، تو رسک ہے کہ شاید آپ کے اندر آ سکتا ہے 25-12%، جو سیکنڈ کزن ہے اس میں 12-6%، جو تھرڈ کزن ہے اس میں 6-3%، تو جوں جوں کزن انکریز ہوتا رہے گا تھرڈ فورتھ بنتا رہے گا رسک کم ہوتا رہے گا، لیکن رسک ہے، اور لیکن جہاں پر ڈیزیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ 3-4 بچے آلریڈی فیملی میں ہیں، وہاں یہ 25 سے پھر 50 بھی ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چونکہ ابھی ہم ڈیوورس ریشو کی بات کر رہے تھے، اب کیا لاس کیا کہتے ہیں کہ پینلٹیز خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اب تو کیا طلاق دینا، حق مہر والے جو معاملات ہیں کیا ان پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں کزن میرجز کا پاکستان میں تو کوئی بین نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ہوتی 86% ہے، اور جو لاز ہیں کوئی اسپیشل لا نہیں بنا ہوا کہ آپ کزن میرجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو پریفرنس اسی کو دی جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں آؤٹ آف فیملی دینے سے شاید وہ بچے کو ایشو نہ ہو، سفر نہ کرے، تو اپنا دیکھا بالا بچہ ہے خاندان کا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کے تو ایشوز ہے، لیکن کوئی اسپیسیفکلی لا نہیں ہے کہ آپ کزن میرجز نہیں کر سکتے، یا کوئی ٹیسٹ کیے جائیں، یا کوئی ایسا لا بنایا جائے کہ جو اس کو آگے لے کے چلے، روٹین میں ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ نب آج کے ٹاپک ڈسکس کرنے کا پرپز یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کو ڈسکریج کریں یا فین کریں، بہت سارے کزن میرجز ہیں، میرے اپنے پیرنٹس کی کزن میرجز ہیں، ہم سب بہن بھائی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، تو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ رسک بڑھ جاتا ہے تو لہٰذا رسک اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو اس کے مطابق لے کر چلنے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے، تاکہ ہم فور دا لانگ رن جتنے بھی مسائل ہیں ان کو کسی قسم کے مسائل نہ فیس کرنے سے اوائڈ کر سکے۔ ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمیں اور بھی مہمان جوائن کرنے والے ہیں، آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور۔